लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। धीरू भाई के बिजनेस का तरीका, जिसमें अरब के शेख को हिंदुस्तान की मिट्टी बेच दी। हमारे देश में लोग कहते हैं कि रिलायंस देश के उद्योगों का वो बुलबुला है जिसमें फूट कर छा जाने की कुव्वत है। मैं कहता हूं कि मैं वो बुलबुला हूं जो फूट चुका है, धीरू भाई अंबानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए कहा था। कई लोगों ने इसे धीरू भाई का एरोगेंस कहा था। आलोचकों ने कहा कि ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। शकी लोगों ने कहा कि बस ये बर्बाद होने वाला है। पर 2018 में रिलायंस देश का सबसे बड़ा उद्योग घराना है। इस देश के उद्योग के लिए अंबानी का नाम एक हब का नाम है। इस नाम के आते ही तमाम संशय, विवाद, आरोप सामने आ जाते हैं। पर एक तथ्य ये भी है कि सब कुछ होते हुए अपनी क्षमता को साबित करने का अंदाज भी यहाँ से आता है। 60 के दशक में धीरू भाई ने 15,000 रुपयों से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू किया। ये इनका पहला बड़ा वेंचर था। 1967 में 15,00,000 रुपयों से रिलायंस टेक्सटाइल्स शुरू किया। रिलायंस के पास इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करने वाली कंपनियों में है रिलायंस। देश में हर फर्स्ट चीज रिलायंस के हाथ में आती है, ये आरोप भी बन जाता है। पर ये तथ्य है कि किसी के इन्वेस्ट करने के लिए रिलायंस सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है। जीप खरीदने की तमन्ना थी, कंपनी खड़ी कर ली। धीरू भाई 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुए थे, वही शहर जो एक समय हिंदुस्तान से अलग ही रहना चाहता था। हाई स्कूल करने तक यही तमन्ना थी कि जीप या कार हो जाए पास में, इसीलिए शायद इसके आगे पढ़े ही नहीं। लगा होगा कि ज्यादा पढ़ने से यही सोचते रह जाएंगे। बाद में अदन चले गए, एक कंपनी में क्लर्क बनकर। फ्रेंच फर्म थी जो शेल ऑयल के साथ काम करती थी। धीरू भाई को रिटेल मार्केटिंग में डाल दिया गया। एरिट्रिया, जिबौती, सोमालीलैंड, केन्या और युगांडा तक का काम देखते थे। धीरू भाई इसके बारे में कहते थे, मजा आता था। धीरू भाई ने खुद कहा है कि वहीं पर उनको एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काट गया। बंबई चले आए, भात बाजार में ऑफिस खोल लिया। अदन में कांटेक्ट बनाए ही थे। जिंजर, कार्डेमम, टर्मरिक और मसाले एक सपोर्ट करने लगे, पर एक मजेदार चीज भी भेजते थे। सऊदी अरब का एक शेख अपने यहाँ गुलाब गार्डन बनवाना चाहता था, उसे मिट्टी चाहिए थी और धीरू भाई किसी को ना नहीं कहते थे। पान खाते हुए और चाय पीते हुए धीरू भाई ने बंबई के यार्न उद्योग पर कब्जा जमा लिया। इनको पक्का गुजराती बनिया कहा जाता था। अनिल अंबानी याद करते हैं कि परिवार बंबई की एक खोली में रहते थे, एक कमरे में। दोनों भाई उन्हीं गलियों में खेलते थे। 1967 में जब धीरू भाई ने कंपनी खोली तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने वीरेन शाह की मदद मांगी थी। वीरेन की मुकंद आयरन एंड स्टील कंपनी थी, पर शाह ने मना कर दिया था। उनको लगा कि ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। कहानी बनी कि धीरू भाई जिस चीज को छूने सुना हो जाए, पर काला करने के भी आरोप लगे। पर धीरू भाई को इस तरह की चीजों से खेलने की आदत थी। पैसा जुटा, कंपनी लगी। 1977 में रिलायंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। शेयर पब्लिक के लिए खुले तो डर इतना था कि इन्वेस्टर ही हाथ नहीं लगा रहे थे इसमें। उनके मित्र डीएन श्राफ अपने जानकारों को समझा रहे थे कि लाख रुपए का शेयर खरीद लो यारों, पर किसी ने नहीं खरीदा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि धीरू भाई जिस चीज को छूट देते हैं सुना हो जाता है, तो काम चल पड़ा। रेलॉन और नायलॉन इम्पोर्ट और एक सपोर्ट होने लगा। देश में कहीं बनता नहीं था तो प्रॉफिट बहुत होता था, पर इसी में आरोप लगा था कि धीरू भाई कानून तोड़ते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। धीरू भाई ने मीटिंग बुलाई और पूछा, यू अक्यूज मी ऑफ ब्लैक मार्केटिंग बट विच ओन ऑफ यू हैज नॉट स्लेप्ट विद मी। लोगों के पास इसका जवाब नहीं था क्योंकि सबने धीरू भाई के साथ बिजनेस किया था। आरोप लगते रहे कि धीरू भाई के पास कुछ तो है जिसकी मदद से वो हर लाइसेंस निकलवा लेते हैं, अपने राइवल्स को ऊपर नहीं उठने देते। पर धीरू भाई का क्लियर था कि कोई भी ऐसा दिखा दो जिसने मुझसे ज्यादा ईमानदारी से काम किया हो। 1982 में रिलायंस पॉलिएस्टर यार्न बनाने वाला था, डाई मिथाइल टेरिथैलेट से।
राइवल कंपनी ओर के सिल्क मिल्स भी पॉलिएस्टर चिप्स से यार्न बनाने वाली थी, पर उसी साल सरकार ने चिप्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी। ओर के को समस्या हो गई। इसका जवाब दिया धीरू भाई ने, सच तो यही है कि यूं ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। नवंबर 1982 में रिलायंस पॉलिएस्टर यार्न बनाने लगा। अब यार्न इंपोर्ट कराने पर टैक्स बढ़ गया तो अंबानी को फायदा मिल गया बेचने में। वैसे केस बहुत ज्यादा हुए हैं, अंबानी ने इसकी सफाई भी दी, पर ये बहुत कुछ क्लियर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और आरके धवन से नजदीकी होने का मुझे फायदा तो नहीं मिलेगा। एक लोअर लेवल का अफसर भी कोई प्रोजेक्ट रोक सकता है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पर इसके साथ ही एक चीज और हुई थी। 1980 में लोकसभा चुनाव के बाद धीरू भाई ने पार्टी की थी, इसमें इंदिरा गांधी भी आई थी। एक और खबर लीक हुई थी कि एक जॉइंट सेक्रेटरी को धवन का फोन आया कि अंबानी का लाइसेंस रुका क्यों हुआ है। कुछ देर बाद दोबारा फोन आया। अंबानी कहते थे आपको अपना आइडिया सरकार को बेचना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है कि कंपनी का प्लान देश हित में है। सरकार जब कहती है कि पैसा नहीं है तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम फाइनेंस कर देते हैं। अंबानी के एक दोस्त ने एक बार कहा था, कोई भी गरीब आदमी अगर पैसा जल्दी बनाए तो जो सीढ़ी यूज करता है वो क्लीन तो नहीं ही होती है। पर अगर कोई ये सोचता है कि धीरू भाई ने सिर्फ यही करके पैसा बनाया है तो गलत सोचता है। सच तो ये है कि धीरू भाई ने जो तरीके इस्तेमाल किए वो बाकी बिजनेसमैन नहीं कर पाए, पीछे रह गए। धीरू भाई अंबानी की सैकड़ों कहानियां हैं, ये देखने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या चुनता है। हर कहानी की तरह इसमें सच झूठ, सही गलत, देर सवेर सब कुछ है।